नमस्कार, बिहार समाचार में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज फिर से सुबह समाचार लेकर के हाजिर हो चले हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी में खटपट तेज, नागरिकता कानून को लेकर के दोनों पक्षों में एक तरफ लड़ाई शुरू। इसके साथ ही बताएंगे आज के मुख्य समाचार के अंदर, बिहार में जबरदस्त बारिश के आसार, लोगों को हो सकती है भारी परेशानियां। इसके साथ आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर बात करेंगे कि कैसे एक बार फिर से बारिश के कारण लोगों को परेशानी हो सकती है। और साथ साथ तेज प्रताप यादव ने आज एम्स और तमाम छात्र को लेकर के बड़ी बात कही। छात्र जनशक्ति परिषद को लेकर के सड़क पर उतरे तेज प्रताप यादव। बिजली कटौती के समस्याओं के समाधान के लिए सरकार नहीं कर पा रही कोई व्यवस्था, केंद्र सरकार ने लगाया अपना पूरा ताकत। इसके साथ आज की बड़ी खबर के अंदर बात करेंगे, कोरोना में उजागर हुआ मोदी सरकार का झूठ। जी, मोदी सरकार ने क्या झूठ बोला? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ा दावा किया, जिस पर सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। जी हाँ, अगर आप भी राशन कार्ड धारक है तो आज की इस बड़ी और मुख्य समाचार को जान लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है एमएसपी पर फिक्स कानून सरकार दे, 10 साल पुराने ट्रैक्टर को बंद करने की मांगों को हटाए, इन सभी मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए। जी हाँ, बिहार के अभिनेता खेसारी लाल यादव ने एक मैसेज लिखा, कहा मुझे सुशांत सिंह राजपूत जैसा प्रताड़ित किया जा रहा है इंडस्ट्री में। इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने आज मोर्चा खोल दिया भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। देखिए क्या है बड़ी खबर। इसके साथ ही आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कि कैसे आजम खान एक बार फिर से जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कोर्ट को। इसके साथ साथ कहां हुए सड़क दुर्घटनाएं, कितने लोगों की मौत, जानेंगे इसके बारे में भी। इसके साथ जी हम बात करेंगे आज की बड़ी और मुख्य समाचार के अंदर कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक एप्लीकेशन को किया गया लॉन्च। बड़ी खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं कि कर बड़ी खबरों से। आइए दोस्तों बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बिहार में एक बार फिर से संपूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और संपूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर के लगातार जो है वो टिप्पणियां की जा रही है। तो आपको बता दें कि संपूर्ण शराबबंदी कानून जो है लगातार लोगों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के अंदर जहरीली शराब पीने से कई बार लोगों की मौत हुई है, इस पर कहीं ना कहीं सवाल उठने तो लाजमी है। देखने वाली बात यह होगी कि इसे किस तरीके से और निखारा जाता है। बड़ी खबर, कोयले की कमी के कारण थर्मल पावर प्लांट बंद पड़े नजर आए, कई जगहों पर बिजली उपभोक्ताओं को परेशानियां हुई। इसके साथ साथ कटौती बिजली की भी खूब जमकर हो रही है, जिस पर राज्य सरकारें भी परेशान हैं। केंद्र सरकार से इस बात को लेकर के अपील करती हुई नजर आ रही है कि सरकार तुरंत ध्यान दे और बिजली व्यवस्थाओं को सुधारे। अब मोदी सरकार ने भी बड़ा एक्शन लिया है और सभी थर्मल पावर प्लांट को लेकर के बड़ा अपडेट जारी किया है। कहा है कि पूरे ताकत के साथ काम किया जाए, कोयला विदेशों से भी मंगवाया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त ममता बनर्जी को लेकर। ममता बनर्जी ने 3 दिवसीय दौरे पर गए। जी हाँ, आपको बता दें कि अमित शाह को घेरा, कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लॉन्च करने की कोई जरूरत नहीं है, इस कानून से लोगों को और पीड़ा होगी, या कानून लॉन्च करने की क्या ज़रूरत है? क्या पीएम और सीएम चुनने में उन नागरिकों का इस्तेमाल नहीं जिन पर यह कानून को लागू किया जा रहा है? इन सभी बातों को कहते हुए ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि नागरिकता कानून लागू नहीं होगा। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जबरदस्त बारिश से लोगों को हो रही है परेशानियां। बिहार के मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के अनुसार बिहार के लगभग अधिकतम 10 से 12 जिलों में जबरदस्त बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। बिहार के 10 से 12 ऐसे जिले हैं जहां पर जबरदस्त बारिश के आसार देखने को मिलेंगे और लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े कारण भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो बिहार में बारिश के आसार फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, खेसारी लाल यादव, अभिनेता खेसारी लाल यादव ने कहा मुझे सुशांत सिंह राजपूत के जैसा प्रताड़ित किया जा रहा है इंडस्ट्री में, गाली गलौज और मेरी माँ बहनों का इज्जत जिस तरीके से नीलाम किया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से एक ऐसे व्यक्तियों को गाली दिया जा रहा है या फिर एक ऐसे व्यक्तियों की इज्जत प्रतिष्ठाओं पर हाथ उठाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक उन सभी मामलों पर कार्रवाई नहीं की है। अगर आप भी चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव को मिले तो वीडियो को लाइक और समर्थन दर्ज करना ना भूलें। चलिए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं।
बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर के। तेजस्वी यादव ने आज प्रशांत किशोर पर किसी भी प्रकार के टिप्पणी करने से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि सबका मौलिक अधिकार है, मैं उन अधिकारों को छीन तो नहीं सकता, इसलिए मैं सबको यह अधिकार है कि लोकतंत्र में वो अपनी पार्टी बनाए, अपने जनसभा को संबोधित करे, गरीबों की बात करे, लोगों की समस्याओं को सुने और वो आगे बढ़े। इसलिए मैं किसी प्रकार से इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, जनता खुद फैसला करेगी चुनाव में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को आज फिर से एक बड़ा नया आवाम देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने जहां पंजाब से लेकर के दिल्ली तक अपने लगातार मजबूती के साथ काम कर रही है, जिस पर आज बड़ी खबर सामने आई। बताया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से कि आगामी चुनाव के दरमियान सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर जीत हासिल करने के लिए पूरे प्रयासरत रहेगी। प्रयासरत ही नहीं, पार्टी को जीत भी हासिल लोगी, इसकी भी उम्मीदें जता दी गई है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही अमित शाह को लेकर के। बंगाल पर गए दौरे पर अमित शाह ने आज मुलाकात किया कई अपने नेताओं से। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की जी हां आपको बता दें हत्या के बाद में आज उनसे भी मिलने के लिए गए अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग भूल गए हैं कि नागरिकता कानून नहीं लॉन्च होगी, लेकिन आप भूले नहीं, इसे लॉन्च किया जाएगा। कोरोना तक हम भी इंतजार कर रहे हैं, कोरोना खत्म होते ही इन सभी मामलों पर कार्रवाई तो जरूर होगी। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त जी आप जीतन राम मांझी को लेकर के। जीतन राम मांझी ने फिर से बड़ा सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने प्रशांत किशोर का समर्थन बिहार में कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दानिश रिजवान ने कहा कि मैं प्रशांत किशोर का समर्थन इस वजह से करता हूं क्योंकि उनकी विचारधारा अलग है, अच्छी है, और लेकिन प्रशांत किशोर ने खुद आइडल माने जाने वाले जीतन राम मांझी के नीतीश कुमार पर भी निशाना साध दिया और निशाना साधते हुए बड़ा बयान देते हुए नजर आ गए। बड़ी खबर की ओर बढ़ते इस वक्त कांग्रेस ने नए रणनीतियों के तहत प्लानिंग करने शुरू कर दिए। कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि इस बार चुनाव में उसे जीत मिल सकेगी। 2024 के जीत हासिल करने के लिए राजस्थान से लेकर के गुजरात और गुजरात से लेकर के तमाम राज्यों में अपने पैठ को मजबूत करने लगी है। इसके साथ साथ कांग्रेस ने यह भी बताना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो काम करने वाली है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार जो है हमारी पार्टी की जीत होगी और इसके साथ ही वो नए रणनीतियों के तहत आगे बढ़ सकेगी 2024 इसके अंदर। एक बार फिर से बात करेंगे संपूर्ण शराबबंदी इस बिहार के अंदर। बिहार में शराबबंदी कानून को तो लागू किया गया, लेकिन इसके साथ साथ इस पर कई बड़े जी हाँ उंगलियां भी उठती रही। समय समय पर उंगली इस बात को लेकर के उठती रही कि संपूर्ण शराबबंदी कानून एक बिहार के लिए मजाक तो नहीं, क्योंकि इसे मजाक ही बनाया जा रहा है। अभी तक जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, इस पर 14 तारीख को मामले पर सुनवाई होगी। 14 तारीख को सभी जिला में स्पेशल अदालत के अंदर लोगों की सुनवाई होगी जिन्होंने शराब पिया या शराब बेचा था। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही इस वक्त जी आपको बता दें कि एक बार फिर से कि लगातार सब्जियों की कीमत आसमान की ऊंचाइयों पर जाने लगे हैं। लोगों को हो रही है भारी परेशानियां। सब्जियों में नींबू हो, टमाटर हो, बैंगन हो, इन सभी चीज़ों की कीमत बढ़ी। कई सब्जियों की कीमत कम होता हुआ नजर आया, लेकिन इसके साथ लोगों को राहत नहीं मिली। लोगों ने आज भी कहा सब्जियों की कीमत आसमान की ऊंचाइयों पर गई, सरकार ने नहीं दिया कोई ध्यान, जिसके कारण हो रही है लोगों को परेशानियां। तो सब्जी की कीमत में लोगों की हो रही परेशानियों का सामना कर रहे लोगों ने बड़ा विरोध करते हुए नजर। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है इस वक्त पेट्रोल और डीजल को लेकर के। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने सरकार की चिंताएं बढ़ाई। सरकार पर आज कटाक्ष करते हुए लोगों ने कहा कि सरकारें ने कभी भी हम पर ध्यान नहीं दिया, आम जनता पर सरकारों ने कभी भी महंगाई का मार दिखाया। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, देश में तमाम विभिन्न पार्टियों की सरकारें जहां बनी हुई है, उन सभी पार्टियों पर इस बात का आवेदन लगना चाहिए कि वह तय सीमा के साथ ही पेट्रोल की कीमत रखे। आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है सोने और चांदी की कीमत एक बार फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। वैसे अक्सर शादियों के त्योहारों के मौसम में लगातार सोने की कीमत बढ़ती है, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार शादियों के जब मौसम की शुरुआत होती है तो कोई लगातार जो है सोने की कीमत बढ़ने लगती है। तो एक बार फिर से सोने की कीमत बढ़ी, लोगों को परेशानियाँ हो रही है। और साथ ही साथ सोने की खरीदारी जब भी आप करने जाएँ दोस्तों तो होल मार्क का ज़रूर ध्यान पर लें, क्योंकि यह आपको एक अच्छे सोना की परख में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़ी खबर
बड़ी खबर निकल रही सामने आ रही है इस वक्त। जी आपको बता दें एक बार फिर से सड़क चौड़ीकरण के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कार्यों को करना शुरू कर दिया। बिहार में सड़क चौड़ीकरण के कामों को तेजी से किया जाने वाला है। सड़क चौड़ीकरण के कामों को एक्सीडेंट के हो रहे मामलों पर भी पहली प्राथमिकता देखते हुए सरकार ने बड़ा आदेश दिया है। सड़क चौड़ीकरण करने के कार्यों को तेज कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री सड़क हो या प्रधानमंत्री सड़क हो, सड़क चौड़ीकरण के कार्यों को शुरू किया गया। सिंगल लाइन पर हो रही जबरदस्त एक्सीडेंट के मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़े बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने वाले किसानों को जल्द ही करा लेना होगा ईकेवाईसी। ईकेवाईसी प्राप्त नहीं किसानों को मिलेगा पैसा। तो अगर आप भी किसान हैं तो आपको ईकेवाईसी कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ईकेवाईसी नहीं कराएंगे तो आपको 11वीं किस्त के पैसे नहीं मिल पाएंगे, जिससे आपको परेशानियाँ हो सकती है। इसलिए ईकेवाईसी कराने के लिए सरकार ने भी बार बार अपील किया है और आपको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ईकेवाईसी कराना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है किसान सम्मान निधि योजना के पैसा के लिए। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, जी आपको बता दें कि आज लगातार जो है तेज प्रताप यादव सड़क पर उतरे और उन्होंने छात्रों के साथ आज सड़क पर उतर करके विरोध जताया। नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध जताते हुए तेज प्रताप यादव ने पूछा कि क्या सरकार इन महिलाओं के साथ हुए रहे अपमान का फैसला करेगी। सरकारों ने कभी भी अपमान का फैसला नहीं किया, इसलिए मैं इनके साथ हूँ और समर्थन में हूँ, और अगर जब तक नीतीश कुमार इसकी जिम्मेवारियाँ नहीं लेते तब तक मैं यहाँ से हटने का भी कार्य नहीं करूँगा। बड़ी खबर, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान ने फिर से सरकार पर बड़ा तंज कसा था और जातीय जनगणना के मुद्दों की मांग की थी, लेकिन अब जातीय जनगणना का मुद्दा कमाएंगे एक बार फिर से तेज हो गया है, क्योंकि प्रिंस राज ने भी जनता आपको बता दी कि जातीय जनगणना के मुद्दा जो कि आपको चिराग पासवान के भाई, उन्होंने भी जातीय जनगणना के मुद्दों पर भाई के साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जातीय जनगणना जरूर कराना चाहिए। जातीय जनगणना की मांग नीतीश कुमार से लेकर के तमाम बिहार के सभी सर्वदलीय पार्टियों ने किया है, लेकिन अभी तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। बड़ी खबर, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त, जी आपको बता दें कि कोरोना में लगातार तीसरे डोज की शुरुआत कर दी गई है। तीसरा यानी डोज आपको बता दें कि पहले डोज आपको बूस्टर डोज तीसरे तौर पर दिया जा रहा है, ताकि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट किया जा सके और कोरोना को नस्तानाबूद करने में पूरी अपने प्रयासरत किया जा सके। तो अब आ रही बड़ी खबर के अनुसार आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर, जी आपको बता दें कि कोरोना के दरमियान लोगों की, आइए दोस्तों एक और बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं इस वक्त। जी लगातार हो रही लोगों की परेशानियां, बढ़ गया रिफाइन ऑयल की कीमत। थोक मार्केटों में रिफाइन ऑयल की कीमत 10 किलो पर 10 रुपये बढ़ने पर खुदरा मार्केटों में प्रति किलो पर 10 रुपये बढ़ गया। इसके साथ ही लोगों की परेशानियां हो रही है और लोगों ने सरकार से सवाल पूछने शुरू किए हैं कि खाने पीने की चीज़ें आसमान की ऊँचाइयों पर जा रही है, सरकार द्वारा क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है, रेस्टोरेंट के सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं। बने रहें आप हमारे साथ, वीडियो को लाइक कर शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। ITT न्यूज़ के लिए दीपक कुमार सैनी की रिपोर्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।